आप जानते हैं, लोगों का जन्म लेना और मरना ऊपर वाले के हाथ में होता है। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मौत एक सत्य है। मौत कब आनी है, कैसे आनी है, ये कहना मुश्किल है। कहते हैं जिसकी मौत जहाँ पर लिखी होती है वहीं आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ मरना मना है। सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन यह सच है। नॉर्वे का एक शहर लॉन्गेयरबेरी है, अपनी कुछ चीजों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया के सबसे उत्तरी छोर पर बसे इस शहर की आबादी लगभग 2000 के आसपास है। दुनिया में एक यह अकेला शहर है जहां पर जमने वाली ठंड के बावजूद भी लोग रहते हैं। यहां माइनस टेम्परेचर में दिन की जितनी मुश्किल है उतना ही स्किन मोल्डेयर से निमटना है। इस शहर की सबसे खास बात है कि यहां मरने की इजाजत नहीं है। यहां साल में 4 महीने सूरज नहीं निकलता, 24 घंटे रात रहती है। यहां सड़कों के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ नंबर है जिसके द्वारा लोग इधर से उधर जा सकते हैं। बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पर सिर्फ स्नो स्कूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ कोई भी गंभीर रूप से बीमार हो जाए या मौत के करीब हो तो उसे आखिरी दिनों के लिए प्लेन या किसी शिफ्ट की मदद से नॉर्वे दूसरे हिस्से में भेज दिया जाता है। वजह यह है कि इस शहर में बहुत ही छोटा कब्रिस्तान है। पिछले 70 सालों में यहाँ कोई भी दफनाया नहीं गया है। जब से पता चला है दफनाई गई लाशें जमीन में घुल नहीं पाई हैं और इसका कारण है जमने वाली ठंड, जिसके चलते यहाँ लाशें खराब नहीं होती। वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले यहाँ की डेड बॉडी सैंपल के तौर पर लिए थे जिसमें अब इन्फ्लुएंजा का वायरस मिला था, जिसके चलते नो डेथ पॉलिसी लागू कर दी गई। अब यह टाउन एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ रिसर्च का काम करने आते हैं। बात करें दूसरे शहर की, जिसमें इंसान के मरने के बाद भी उसके साथ रहते हैं लोग। क्या आपने किसी मरे हुए इंसान को साथ रहते हुए देखा है? शायद नहीं, हाँ, लेकिन यह सच है। इंडोनेशिया में संप्रदाय ऐसी ही है जिसमें लोग इंसान की मृत्यु होने के बाद भी अपने साथ रखते हैं, और इतना ही नहीं जिंदा इंसानों की तरह ही खाना खिलाते हैं। या लोग मरे हुए लोगों को उनके साथ समय बिताते हैं। उनका मानना है कि मौत के बाद जिंदगी अलग चरण शुरू हो जाता है। इस परंपरा को इंडोनेशिया के लाखों लोग मनाते हैं। इस समुदाय में मरे लोगों की अंतिम क्रिया अलग अलग तरह से की जाती है। इंडोनेशिया के लोग मरे हुए लोगों के साथ 5 घंटे बिताने वाली परंपरा को अपनाते हैं। मरे हुए व्यक्ति को सजाते हैं, खाना खिलाते हैं, फोटो लेते हैं। शरीर को पूरी तरह तैयार करके पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस परंपरा को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। किस तरह ये दोनों देश दुनिया से अलग हैं। एक शहर जहां मरना मना है तो वहीं दूसरे शहर की मरे हुए लोगों को साथ रखता है। यह थी SM News रिपोर्ट।